टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अब इसको पकड़िए और इसे खींचिए, ये टेक्स्ट बड़ा हो गया। अब टेक्स्ट को छोटा करना चाहते हैं, वापस से इसको पकड़िए और कम कर दीजिए, ये टेक्स्ट छोटा हो गया। टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हैं तो इसे पकड़िए और घुमा दीजिए, ये टेक्स्ट तिरछा हो गया। टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ फॉन्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक फॉन्ट चूज कर लीजिए, राइट पर क्लिक कर दीजिए, ये टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो गया। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कलर पर क्लिक कीजिए, अभी ये ब्लैक है, हम रेड पर क्लिक करते हैं, यहाँ राइट पर क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। टेक्स्ट को नीचे सेट करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, इसे पकड़िए और नीचे रख दीजिए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रौनक रावत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ काइनमास्टर में टेक्स्ट कैसे ऐड करें, हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन काइनमास्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एकदम शुरू से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं काइनमास्टर ऐप पे ओपन करता हूँ, अब इस क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये वाला रेसो ले लेता हूँ और इस क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, अब इस इमेज पर क्लिक करता हूँ और वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लिया है। अब मैं 3 सेकंड से टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 3 सेकंड पर सेट कर लेता हूँ। अब मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ काइनमास्टर में टेक्स्ट कैसे ऐड करें, हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन काइनमास्टर। तो यहाँ पर आपको एक लेयर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैंने काइनमास्टर लिख दिया और मैं इस ओके पर क्लिक कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट ऐड हो गया। काइनमास्टर में टेक्स्ट कैसे ऐड करें, हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन काइनमास्टर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।